राम राम भाइयों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। अगर आप भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करने में इच्छुक हो तो आपके लिए सुनहरा मौका आ चुका दोस्तों। भारत के 11 जिलों के लिए सेना की खुली भर्ती रैली निकल के आ चुकी दोस्तों। अगर आप भी 8वीं या 10वीं पास हो तो आपके लिए सुनहरा मौका आ चुका दोस्तों। भारतीय सेना की तरफ से सेना की खुली भर्ती रैली निकल के आ चुकी है। कहाँ पर आपकी भर्ती रैली होने वाली है, कौन कौन इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है और कब से आपके यहाँ पर दौड़ शुरू होने वाली है, अगर आप ये पूरी जानकारी जान चाहते हो तो वीडियो को पूरा अंत देखें दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सेना की खुली भर्ती रैली निकल के आ चुकी है। ARO गया की तरफ से आपकी भर्ती रैली निकल के आ चुकी है। यहाँ पे ARO गया के दोस्तों 11 जिलों की आपकी भर्ती रैली होने वाली है। इस भर्ती के लिए दोस्तों आप सभी ऑनलाइन आवेदन की अगर हम बात करें 20 दिसंबर से लेकर 2 फरवरी तक आप सभी इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। और आपकी जो भर्ती रैली होने वाली दोस्तों, यह भर्ती आपकी 2 फरवरी से लेकर यानी कि आपकी 15 या 16 फरवरी से आपकी भर्ती रैली है वो शुरू होने वाली है, ठीक है। और आपको बता दें कि आपको जो यहाँ पे पोस्ट मिलेगी दोस्तों, आपको दो प्रकार के भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा दोस्तों। ट्रेडमैन के लिए आपको अलग से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और आपको जनरल ड्यूटी और टेक्निकल और आपकी नर्स असिस्टिंग और आपके कलर के लिए आपको अलग से फॉर्म अप्लाई करना होगा, क्योंकि आपकी जो भर्ती रैली नोटिफिकेशन जारी किया गया दोस्तों, इंडियन आर्मी द्वारा 2 नोटिफिकेशन आपके जारी किए गए हैं। और आपको बता दें कि दोस्तों आपकी जो एज कटऑफ की अगर हम बात करें दोस्तों, जनरल ड्यूटी के लिए आपकी 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में अगर आपकी एज बनती है तो आप सभी इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर, वेट आपका वही रहने वाला दोस्तों 50 kg, और चेस्ट आपकी नॉर्मल। अगर आप 10th में आपके पास ग्रेड डी यानी कि 33 से 40% के बीच में आपके अंक बनते हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और बात करें दोस्तों आपकी कलर की, स्टोर कीपर और टेक्निकल के लिए अगर हम बात करें, एज कट ऑफ दोस्तों आपकी वही रहने वाली है 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में अगर आपकी एज बनती है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। हाइट आपकी 162, चेस्ट आपकी नॉर्मल आ गई। अगर आपने 10 प्लस 2 यानी कि प्लस टू में दोस्तों आपने या फिर कमर्स कर रखी है, फिर प्लस टू यानी 8 के साथ आपने साइंस या फिर मैथ कर रखा है तो दोस्तों आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। और बात करें दोस्तों ट्रेडमैन के लिए, ट्रेडमैन के लिए भी आपकी सेम टू सेम यही रहने वाली है। अगर आप 8 या फिर 10th सिंपल पास हो तो दोस्तों आप सभी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। और दोस्तों आपको बता दें कि भारत के सभी राज्यों के लिए तकरीबन हर रोज इंडियन आर्मी वेबसाइट पर किसी ना किसी भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि जो आपकी भर्ती रैली है 100% श्योर है कि कराई जाएंगी, इसलिए आप सभी अपनी तैयारी में कोई कसर ना छोड़ें, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कोरोना के चलते आपकी 1 साल से कोई भर्ती रैली नहीं हो पाई है। और आपके पास दोस्तों मौका मिल चुका कि आप सेना की भर्ती को अटेंड कर पाएंगे। और आपको बता दें कि सेना आर्मी की भर्ती में जितने भी भाई कैंडिडेट जा रहे हैं या फिर आपकी भर्ती की तैयारी करें दोस्तों, आपको बता दें कि अब की बार आपको एज में कोई छूट नहीं मिली है और आपकी जो एज कट ऑफ है वो इसी प्रकार आपकी जो रहने वाली है। इसलिए आप सभी किसी भाई की आखिरी भर्ती होगी, किसी भाई की पहले होगी, इसलिए आप सभी ने यह भर्ती में पूरा जोर लगा देना और अपना सिलेक्शन है 100% पा लेना है। और आपको आज की वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।